एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोऑर्डिनेट दिया है 235 और 431। तो आप लोग क्लास टेंथ में डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए होंगे, होता था एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दोनों एक साथ रूट में होता था एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर जो है आपको तीन बिंदु दिए गए हैं, यानी जेड का मान 3D में बढ़ जाता है, तो दो बिंदु यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इस प्रकार से दिया रहे, इनकी बीच की दूरी होता है रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें का जो मान होगा सब होगा एक्स वन वाई वन जेड वन, इसमें क्या होगा एक्स टू वाई टू जेड टू। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक्स टू का मान हो गया आपको 4 हो गया और एक्स वन का मान क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर जो है वाई टू माइनस वाई वन तो वाई टू का मान हो गया आपको 3 हो गया और वाई वन का मान भी आपको 3 ही हुआ। अब जेड वन ये देख सकते हैं जेड टू माइनस जेड वन तो जेड टू का मान 1 हो गया, जेड वन का मान 5 हो गया। तो यहाँ पर आप पुट करके देख सकते हैं मान को पुट कर दिया गया है, और इस प्रकार से आपको जो आएगा रूट ओवर 20 आएगा, इनका वर्गमूल 2√5 होगा। दो में देख सकते हैं इनके बीच की दूरी निकालिए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कीजिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक्स वन वाई वन जेड वन दिया है और यहाँ पर एक्स टू वाई टू जेड टू दिया है, बस फॉर्मूला का यूज कर दिया गया है। ये तीसरा सवाल आप देख सकते हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एक्स वन हो गया, ये आपका वाई वन, ये आपका जेड वन होता है, ये आपका एक्स टू, ये वाई टू और ये जेड टू होता है। तो फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, रख देते हैं जैसे वाई टू माइनस पहले एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं तो एक्स टू का मान 1 हो गया, एक्स वन का मान माइनस 1 हो गया, तो माइनस एक प्लस 1 हो गया। फिर उसी प्रकार से वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर है जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, -3 - 3 6 हो गया, इनका होल स्क्वायर 36 हो गया, 4 + 4 8 हो गया और इनका होल स्क्वायर 64 हो गया, सबको जोड़ करके 100√104 मान आया। इनका वर्गमूल आपको 2√26 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु -2, 3, 5 1, 2, 3 और 7, 0, -1 संरेख हैं। तो देखिए कोई भी बिंदु संरेख होते हैं, मतलब इनका जो परिभाषा होता है तीन या अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर हो तो उसे हम कहते हैं संरेख बिंदु। जब तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर या इससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर होगी तो उनको हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। तो देखिए मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो ए बी जोर बी सी बराबर आपको ए सी आ जाए तो हम कहेंगे कि बिंदु संरेख है, तब ही ना एक भी रेखा पर होगा तीनों बिंदुएं। तो यहाँ पर देखिए ए से बी को जोड़ेंगे
ए से लेकर के बी तक की दूरी को बी से लेकर के सी तक की दूरी यानी ए बी जोड़ बी सी करेंगे वो आपको ए सी के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि ये संरेख बिंदु है। तो पहले ए बी का मान निकाला गया है डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, तो इनका मान रूट ओवर 14 आया। अगला है यहाँ पर फिर पुनः बी सी की दूरी निकाली गई है, तो रूट ओवर 56, वर्गमूल 2 रूट ओवर 14 हो गया। उसके बाद ए सी की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया गया है, तो ए सी की जो दूरी निकाली गई है देख सकते हैं रूट ओवर 126 आया, 3 रूट ओवर 14 आया है। तो ए बी जोड़ बी सी करते हैं, ए बी जोड़ बी सी किया तो 3 रूट ओवर 14 आया और ए सी का मान भी 3 रूट ओवर 14 है यानी मान सेम है, तो इसलिए ए बी सी जो है ये कोलिनियर पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, कड़ा की समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इसको ए मान ले, इनको आप बी मान लीजिए, इनको आप सी मान लीजिए। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने का मतलब हो गया कि कोई दो भुजा आपस में बराबर होंगे। तो पहले ए बी निकाला गया है, ए बी आपको हो गया 3√2, उसके बाद बी सी, तो बी सी आपको हो गया 3√2। तो देखिए ए बी और बी सी जो है दोनों का मान क्या है, सेम है। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसी का जो है दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोणिक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शीर्ष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मान लिया है कि पी क्यू आर त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो देखिए पी क्यू का होल स्क्वायर क्या गया है 18 आया है। अब देखिए क्यू आर का होल स्क्वायर 18 आया, इसके बाद देखिए पी आर का होल स्क्वायर 36 आया है, यानी त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग है शीर्ष अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, यानी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग शीर्ष अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। यानी पी आर स्क्वायर का मान 36 आपको आया है और वहीं पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर मान आपको 18 और 18 यानी 36 आ गया। तो पी आर स्क्वायर बराबर आपको हो गया पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर, तो इसलिए यह जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। 3 में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है कि 4 बिंदु दिए गए हैं, देख सकते हैं कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होने के लिए आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए आपस में बराबर, जैसे मान के चलिए कि इनको हम मान लेते हैं ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी और सी डी का मान आपस में बराबर हो जाए, बी सी और ए डी का मान आपस में बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी स्क्वायर का मान निकाल ले 36 हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, जैसे ए बी कहा गया है तो सिर्फ आपको ए और बी में देखना है और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कीजिए। फिर बी सी, फिर देखिए बी सी का मान 43 आया, सी डी का मान 36 आया, ए डी का मान 43 आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी का जो मान है वो आपको सी डी स्क्वायर के मान के बराबर है, तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, इसीलिए आपको, और उसके बाद आपको हो गया कि बी सी बराबर ए डी, इसलिए ये आपको हो गया समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ऐसे बिंदुओं के समूह का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 और 3, 2, -1 से समदूरस्थ हैं।
तो देखिए समदूरस्थ है, कहने का अर्थ हो गया कि ये ए हो गया, ये आपको बी हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो बिंदु दिया गया है ए और बी, तो इनको हम मान लें, और यहाँ पर कोई बिंदु पी है, पी है। तो कह रहा है कैसे बिंदु का जो है समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो इनका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा, पी ए बराबर पी बी होगा, प्रश्न के अनुसार पी ए बराबर पी बी होगा। फिर पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, फिर पी बी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कीजिए, करने के पश्चात आपको सोल्व कीजिए, मान इतना आएगा। तो यही समीकरण है। क्वेश्चन नंबर आप 5, बिंदुओं P से बने समुच्च का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिनकी बिंदुएं A 400 और B -400 से दूरियों का योगफल 10 है। तो यहाँ पर वही जो अभी हमने फिगर बनाया था, यानी मान लेते हैं एक वह बिंदु क्या है, यहाँ पर P दिया हुआ है ही, तो पी ए प्लस पी बी, बी बराबर आपको 10 दिया है। फिर पी ए के डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, पी बी का डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। तो करने के पश्चात आप देख सकते हैं ये मान आया है। अब सबको ए माइनस बी के होल स्क्वायर या ए प्लस बी के होल स्क्वायर जो जिस पर बैठता है तोड़ देना है। तोड़ने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है तो रूट खत्म हो गया। खत्म होने के पश्चात पुनः जाए कि दोनों पक्ष का वर्ग किया गया है, करने के बाद आपको अभीष्ट समीकरण इतना प्राप्त हो रहा है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना उतारते जाइए।